A very cheerful morning, happy morning to all my dear students. We welcome you to our Christ School. I hope you will be safe and sound at your place. Students, today is 21st June. That means International Yoga Day. So today we are going to observe Yoga Day. आज 21 जून यानी कि योग दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। COVID-19 महामारी ने लोगों में तनाव और चिंता को बढ़ा दिया है। योग इस प्रकार के मुद्दों से निपटने में मदद करता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता, विचार और कार्यवाही स्थापित करने का सरल माध्यम है। योग की मदद से पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। योगा का अर्थ अगर सही मायनों में जाना जाए तो इसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। तो आइए इस योग दिवस के उपलक्ष में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हमारे पीटी सर से, मिस्टर नीलेश पटेल। जैसा कि आप जानते हैं आज योग दिवस है, तो क्यों ना योग दिवस की शुरुआत एक सुंदर प्रार्थना से की जाए। आइए मिलके करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना। ओम सर्वेशा स्वस्ति भवतु, सर्वेशा शांति भवतु, सर्वेशा पुण्य भवतु, सर्वेशा मंगल भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे योग से। हमारे नीले सर आपको कई आसन और प्राणायाम की जानकारी देंगे। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत करने के लिए, कोई भी योग करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। तो आइए हम देखें कि किस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है। तो आप सब तैयार हैं पूरे जोश के साथ? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज विद नेक रोटेशन। ओके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इससे हमारे नेक फ्लेक्सिबल होती है। कई तरह के जो पेन होते हैं नेक में वो इससे दूर हो जाते हैं। कई आसन हम फटाफट आसानी से कर सकते हैं। आइए अभी चलते हैं शोल्डर स्ट्रेचिंग की ओर। इससे हमारे कंधों में मजबूती आती है। साथ में शोल्डर रोटेशन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। इसके बाद हम करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग, ये भी होगा क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। तो ये थे आपके सारे वार्म अप एक्सरसाइज। आपने सूर्य नमस्कार का नाम तो सुना ही होगा। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बेहद ही असरकारक होता है। तो आइए हम साथ में मिलके करते हैं सूर्य नमस्कार। आप ध्यान से देखेंगे हर एक स्टेप्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? 12। तो आपने जाना कितने अच्छे से हमारे सर ने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है। कैसा रहा
बच्चों आपका सूर्य नमस्कार। ओके नाइस, आप कर पाए थे ना, दैट्स ग्रेट। और अभी हम लोग चलते हैं अनेकों आसन की ओर। तरह तरह के आसन आपको सर करवाने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं ताड़ आसन। आइए देखें किस तरह से होता है ये ताड़ आसन। यस, पहले आप हाथ मिलाएंगे और पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। यस, इससे आपकी हाइट भी बढ़ती है ना, और अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है ना। तो ये था आपका ताड़ आसन। ओके, आइए बच्चों हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, जिसका नाम है वृक्ष आसन। इसमें सबसे पहले लेफ्ट पैर को हम लोग राइट पैर से लगाएंगे। देखिए कि किस तरह से किया जाता है वृक्ष आसन। अक्सर प्राचीन काल में ऋषि मुनि समाधि में बैठने के लिए वृक्ष आसन लगाते थे। देखिए कितना अच्छे से सर कर रहे हैं वृक्ष आसन। ओह, दैट्स सो ब्यूटीफुल, है ना? आप कर पा रहे हो ना सर के साथ साथ में? या, दैट्स ग्रेट। बड़े जोश के साथ आज हम मनाने जा रहे हैं ना योग दिवस। यस, तो ये है आपका वृक्ष आसन। आप उसको धीरे धीरे खोल सकते हैं। बच्चों आप कर पाए थे वृक्षासन? ओके, इजी था। शुरुआत में आप दीवार की सपोर्ट से भी कर सकते हैं वृक्षासन, ठीक है? तो आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे आसन की ओर, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। उसमें सबसे पहले लेफ्ट हाथ नीचे की ओर जाएगा और राइट ऊपर रहेगा, और आप अपनी आईज को उधर फोकस करेंगे अपने हाथों की ओर, और अपना हाथ देखते ही रहेंगे। इससे आपके फोकस भी बढ़ता है, आपका ध्यान भी केंद्रित होता है, और साथ में आपकी वेस्ट भी फ्लेक्सिबल होती है। अभी वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट साइड। तो इसको कहा जाएगा त्रिकोण आसन। आपने जाना कि किस तरह से त्रिकोण आसन होता है? ओके, आइए बच्चों अभी चलते हैं हम दूसरे आसन पर, जिसका नाम है भुजंग आसन। देखिए कि किस तरह से भुजंग आसन किया जाता है। सबसे पहले आप नीचे जमीन पर उल्टा लेट जाएंगे और धीरे धीरे अपनी हाथों की मदद से पहले वाला हिस्सा यानी कि हृदय का हिस्सा वो ऊपर की तरफ आएगा। इसे दूसरे शब्दों में सर्पासन भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये हमारी मदद करता है पेट की काफी सारी परेशानियों को दूर करने में, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग करेंगे भुजंग आसन। कई सारे आसनों के बाद और सूर्य नमस्कार के बाद आइए हम लोग चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, और फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम से हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, पाचन तंत्र को दुरुस्त होता है, तनाव और चिंता मुक्त हो जाते हैं हम लोग। तो आपने जाना कितने सारे फायदे हैं अनुलोम विलोम के? पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है अनुलोम विलोम, ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप साथ साथ में कर भी रहे हैं। करते हैं ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम जो कि तनाव और गुस्से को दूर हटाता है, दिमाग इससे शांत रहता है, हमारी नस नाड़ियां मस्तिष्क की बहुत ही मजबूत होती हैं, हमारा ध्यान जल्दी से केंद्रित होने लगता है।
आसन और प्राणायाम की जानकारी के बाद आइए हम लोग चलते हैं ओम के उच्चारण की ओर। आप सब तैयार हैं ओम चैंटिंग के लिए? ओके स्टार्ट। वाइब्रेशन होता है, ओम का उच्चारण करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ओम के जाप से मानसिक शांति मिलती है। तो कैसा रहा आपका आज योगा डे? बढ़िया ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप डेली 15 मिनट योग करेंगे, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है योग करने से हम हमेशा निरोग रहते हैं। तो आई विश यू, वी ऑल विश यू